हेलो एंड वेलकम टू द सिंग्स गाड़ी वाले। टुडे वी हैव विद अस हंटर 350 ब्लैक। तीन वेरिएंट में आती है हंटर 350, डैपर, फैक्ट्री एंड रेबेल। एक शोरूम प्राइस होता है इसका 141 से स्टार्ट है, 177 तक जाता है। टॉप मॉडल इसका रेबेल है, सबसे बेस मॉडल इज फैक्ट्री एंड द मिडिल मॉडल इज डैपर। इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट फर्स्ट हाउ इट लुक्स, इफ यू शुड कंसिडर दिस 350cc बाइक और नॉट, इसका बेस्ट मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन है, स्पीड कैसी है, सेफ्टी कैसी है, इंजन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉडी एंड लुक्स की। आज अभी तक हंटर 350 का ये जो लुक है, मुझे थोड़ा बहुत कीवे बेनेली बेंडा V302C जैसा लगता है, विच इज़ अ वेरी प्रीमियम बाइक फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो 400,000 से स्टार्ट होती है। पीछे से हंटर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, स्पेशली जब इसकी टेल लैम्प्स ऑन हो जाती हैं। रॉयल इनफील्ड ने हर जगह सर्कुलर डिज़ाइन की हेल्प ली है। दिस हंटर 350 इज ऑल्सो बिल्ड अपॉन द सेम न्यू प्लेटफॉर्म जिसपे मीटियोर बनाई गई है, विच इज़ द जे प्लेटफॉर्म एज रॉयल इनफील्ड लाइक्स टू कॉल इट। आगे भी आपको वो सेम चीज़ मिलेगी, सर्कुलर, क्लासिक, रेट्रो। दिस बाइक विल रिमाइंड यू ऑफ स्ट्रीट ट्विन ट्रायम्फ। तीन वेरिएंट्स और कम से कम 8 कलर्स में आती है ये बाइक, विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस बाइक। मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बहुत सारे फीचर्स आने लग गए हैं आजकल रॉयल एनफील्ड में, बट स्टिल दे हैव मेंटेन्ड द सेमी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वो रॉयल एनफील्ड के नॉट मेक इट फुल्ली डिजिटल बिकॉज दे लूज देयर वाइब ऑफ इट। गियर कौन सा है वो बता देते हैं। मोड्स हैं इसमें, राइडिंग मोड्स हैं कि इको है, कि स्पोर्ट है, कि सिटी है। ऊपर से ट्रिप मीटर्स मिल जाता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा बटन है आई करके, उस पर। However, something that I don't like about this button is बहुत ही inconveniently placed है। एक राइडर का अगर हाथ ऐसे है तो बार बार वो एक फिंगर से चेक करेगा, थोड़े टाइम बाद आदत पड़ जाती है, बट इट्स inconvenient as per my opinion। एक चीज़ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है, रॉयल एनफील्ड अब किक नहीं देती और सेल्फ देती है, वो इस तरीके की। दिस इज़ द मोस्ट स्केरी पार्ट कि अब किक्स नहीं आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली चीज़, ये जो राइडर पिलियन रेस्ट है ये तो लेफ्ट साइड से कंफर्टेबल है, बट राइट साइड में इसका जो पिलियन रेस्ट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। आप देख रहे हैं साइलेंसर के कितना पास है, पैर आप रखेंगे ना तो पैर ऐसे बार बार साइलेंसर पे ही जा कर के लगेगा, और अगर ख़ासतौर पर अगर आपने मैट ब्लैक कलर में ली है तो वो बहुत जल्दी गंदी हो जाने वाली है। दूसरी कमी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पिलियन फुटरेस्ट है आगे का, इफ़ द राइडर कीप्स हिज फीट तो बार बार वो उसके शिन बोन में जा कर के लगेगा। इंजन गार्ड नीचे लगा हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो air/oil कूल्ड इंजन, और मैं आपको इसकी लाइट्स दिखा देता हूँ, विच अभी तक हैलोजन मेंटेन की हुई है रॉयल एनफील्ड ने। हैजर्ड लाइट अब भी नहीं दे रहे हैं, इस रेंज में लोग हैजर्ड लाइट देने लग गए हैं। ये इसका इंडिकेटर, दिस इज़ हाउ इट लुक्स वेन इट्स ऑन। दूसरी चीज़, ये जो क्वालिटी है ना, ये बहुत ही स्टिफ है। पहले यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल दिया जाता था, दिस इज़ वेरी स्टिफ। अगर एक बार बाइक गिरी तो आपका इंडिकेटर गया समझो। एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट साउंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका। सी, ये हंटर की खासियत है कि इसका एग्जॉस्ट साउंड बहुत अच्छा है। ट्रिप मीटर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 ट्रिप मीटर मिल जाते हैं, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, टाइम मिल जाता है और स्पीड मिल जाती है आपको। माइलेज रॉयल एनफील्ड क्लेम करती है वही 35 से 40 नॉर्मली क्लेम करती है, बट हाईवे पे अगर आप इसे बहुत प्यार से चलाएंगे तो 40 का माइलेज ये आपको बहुत ही आराम से दे देगी। मैं खुद एक पर्सनल रॉयल एनफील्ड यूज़र हूँ तो मुझे पता है कि 40 या 45 तक भी माइलेज देती है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जे प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, 350cc है, बट इसका जो कर्ब वेट है इज़ 177 kg, विच मेक्स इट एटलीस्ट 20-25 kg लाइटर। ये टैंक जो पतला है ये आपको फाइनली बाइक वाली फीलिंग देता है, और अगर 350cc की बाइक में वज़न कम कर दिया जाए तो मुझे पूरा यकीन है आपको पता है कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा क्विक हो जाती है। दिस बाइक इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स एग्जॉस्ट एंड इट्स ग्रेट पिकअप। दिस बाइक क्रिएट्स अ पावर ऑफ 27 Nm ऑफ टॉर्क एंड 22 BHP ऑफ पावर। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फैक्ट्री, डैपर और रेबेल तीन वेरिएंट में आती है, बट कलर्स 8 से ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। दिस इज़ अ काइंड ऑफ नियो रोडस्टर काइंड ऑफ डिज़ाइन,
विच विल श्योरली रिमाइंड यू ऑफ ट्रायम्फ स्ट्रीट, मैं आपको बोल चुका हूँ बार बार। एंड आप अगर इसे पास से देखते हैं तो ये बाइक जैसी आपको पिक्चर्स में लगती है उससे ज़्यादा बेटर आपको एक्सपीरियंस ला करके देती है। वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस बाइक इज़ द टायर्स, ये जो ब्लैक अलॉयज देते हैं ना, इस बाइक को लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी से मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। रॉयल एनफील्ड के बंदे जानते हैं कि वो स्पोक्स टायर लेके जाते हैं और उसके बाद अलॉयज लगवाते हैं। ये ब्लैक कलर के अलॉयज दे आर क्वाइट गुड, 16 से 17 इंच के टायर हैं आगे भी और पीछे भी। एक और कंप्लेन जो मुझे रॉयल एनफील्ड से है इस मीटियोर निकाली उन्होंने और कॉन्टिनेंटल जीटी और कई बाइक्स में ऐसे इसको ओपन करते हैं, बट हंटर 350 एक प्रीमियम बाइक होने के बाद भी उन्होंने अभी तक ये स्लाइड वाला मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से इसका मॉइस्चर चला जाता है और फ्यूल टैंक ओपन करने में बहुत दिक्कत आती है। नोन फॉर आवर क्विकेस्ट रिव्यू, जल्दी से जल्दी हम आपको जितने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर अप करके बताना चाहते हैं वो हम बता देते हैं। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ लगा हो, मिस्टेक हो गई है या आपको खुद से बिलीव नहीं हो रहा है तो आप आइए बाइक को खुद देखिए। और कहाँ आइए, ग्रेटर नोएडा के श्रीजी ऑटोमोबाइल्स में हम खड़े हुए हैं और ये शोरूम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दिल्ली NCR में हैं तो आप यहाँ करके जरूर लीजिए, बिकॉज स्टॉक सबसे ज़्यादा इनका बेटर है और सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ आपको यहाँ मिल जाएगा। प्लस फाइनेंसिंग के ऑप्शन सबसे मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शंस दे आर कैरिंग विद देमसेल्व्स। दूसरी चीज़, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ी सी मोटिवेशन दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू।